तारीख में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी, जबकि भारत की बदतरीन जो कि तारीख की बदतरीन रुसवाई थी उनके नाम हो गई। इसके अलावा जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं उनको बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल का सामना उन्हें कभी भी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में नहीं हुआ था। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। और शाहिनशाह अफरीदी ने भी एक मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि पाकिस्तान के ओपनर जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं उन्होंने दर्जन भर रिकॉर्ड ऐसे कायम किए हैं जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। और इस रिपोर्ट में हम आपके लिए इन्हीं रिकॉर्ड की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जायजा पेश कर रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि इस मैच में कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और कितने बड़े रिकॉर्ड कायम हुए। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने शानदार बैटिंग की, 152 रन का हदफ तन तनहा अबूर किया। बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रन बनाए। शानदार बैटिंग की दोनों बल्लेबाजों ने और इसके साथ साथ वो दुनिया की कामयाब तरीन टी20 ओपनिंग जोड़ी बन गए हैं। अब तक जिन ओपनिंग जोड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में कम से कम 400 रन एक साथ बनाए हैं, 400 शराखती रन कैम किए हैं, उनमें एवरेज के अतबार से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम सबसे आगे निकल गए हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर 67.30 की लाजवाब एवरेज से 673 रन बनाए हैं। दोनों बैट्समैनों ने अब तक सिर्फ 11 इनिंग्स में एक साथ बैटिंग की है और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इन 11 में से 3 इनिंग्स में वो सेंचुरी शराखतें कैम करने में कामयाब रहे, जबकि एक 50+ रन की शराखत भी कैम की। इस फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पर मौजूद है वो युगंडा की जोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी है, जिन्होंने 63.71 रन फी शराखत की एक शानदार एवरेज से रन जोड़े। इस फहरिस्त में जो तीसरे नंबर पर मौजूद है वो साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रेन स्मिथ और लूट बॉसमैन हैं, जिन्होंने 69.09 की एवरेज से शराखती रन कैम किए थे। यानी सिर्फ दो ही ऐसी जोड़ी हैं तारीख में जिन्होंने 400+ रन बनाते हुए 60 से ज्यादा शराकत एवरेज से रन जोड़े हैं, और बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी सबसे ऊपर मौजूद है। इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन की नाकाबले शिकस्त शराकत कायम करके भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शराकत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये दुनिया की पहली ओपनिंग जोड़ी है जिसने भारत के खिलाफ 150+ रन की शराकत कायम की। इससे पहले भारत को या भारतीय बॉलर को इतनी बदतरीन रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा था। जो पहली शराकत थी पहली विकेट पर, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन और डेविड वार्नर को हासिल था, जिन्होंने 2012 में पहली विकेट पर 133 रन की शराकत कायम की थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी और दूसरी जोड़ी नहीं है जिसने भारत के खिलाफ पहली विकेट पर 130 से ज्यादा रन जोड़े हों, और बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गई है। और इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 150+ रन की शराकत कायम करने वाली दुनिया की पहली जोड़ी बन गई है। इससे पहले दुनिया की किसी भी ओपनिंग जोड़ी को यह एजाज हासिल नहीं हो सका था। इससे कबल जो टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत थी वो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और डेविन स्मिथ की थी, जिन्होंने 145 रन जोड़े थे, जबकि पाकिस्तान के सलमान बट और कामरान अकमल 142 रन की ओपनिंग शराकत के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर खड़े हैं। लेकिन अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सबसे आगे हैं और ये एजाज उनसे कोई नहीं छीन सकेगा कि वो टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 150+ रन की शराकत जोड़ने वाली दुनिया की पहली ओपनिंग जोड़ी बने थे। इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 150+ रन की शराखतें कायम करने वाली जोड़ी बनने का एजाज भी हासिल कर लिया है। ये तीसरा मौका था कि उन्होंने 150 से ज्यादा रन की शराखत कायम की। इसके अलावा दुनिया में पूरी तारीख में सिर्फ एक ही ऐसी जोड़ी थी जो एक से ज्यादा बार ये कारनामा सर अंजाम दे सकी थी, और ये कारनामा भारतीय जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा और उनके जो शेखर धवन हैं उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था, जिन्होंने 2 बार 150 से ज्यादा रन की शराखतें कायम की थी। लेकिन अब वो पाकिस्तानी जोड़ी से पीछे रह गए हैं। बाबर आजम और रिजवान तारीख की सबसे कामयाब तरीन जोड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 बार 150+ रन की शराखतें कायम की हैं। इसके अलावा ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ना सिर्फ ओपनिंग जोड़ी पर बल्कि किसी भी विकेट पर चौथी बड़ी सेंचुरी शराखत थी। इससे कबल बाबर आजम कई मौकों पर वन डाउन पोजीशन पर भी बैटिंग करते दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ। 4 सेंचुरी शराखतें दुनिया की कोई भी ऐसी जोड़ी नहीं है, हाँ वो किसी भी विकेट पर खेलती हो वो बाबर आजम और रिजवान से ज्यादा सेंचुरी शराखतें कायम नहीं कर सकी। अलबत्त 2 ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने रिजवान और बाबर आजम के आइन बराबर 4-4 सेंचुरी शराखतें कायम की हैं, जिनमें भारत के रोहित शर्मा और शेखर धवन के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और केन विलियमसन शामिल हैं, जिन्होंने 4-4 सेंचुरी शराखतें कायम कर रखी हैं। और अब बाबर आजम और रिजवान इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये दुनिया की सिर्फ 3 ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें 4 बार
सेंचुरी शराखतें कैम करने का एजाज हासिल है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। इसके अलावा बाबर आजम और रिजवान ने ये तमाम जो सेंचुरी शराखतें कैम की हैं सिर्फ एक ही साल यानी 2021 में कैम की हैं। यूं वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम करने में कामयाब रहे हैं जो कि एक साल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी शराखतें कैम करने का रिकॉर्ड है। इससे कबल दुनिया की कोई भी ऐसी जोड़ी नहीं थी जो दो से ज़्यादा बार सेंचुरी शराखतें कैम कर सकी हो एक ही साल में। इस फहरिस्त में कई ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने दो बार सेंचुरी शराखतें कैम की लेकिन कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ सका था, और बाबर आजम और रिजवान ने ये कारनामा अब तक चार बार सरंजाम दे चुके हैं। और अगर आने वाले मैचेस में एक बार फिर वो सेंचुरी शराखतें कैम करते हैं तो वो T20 वर्ल्ड कप में एक साल में 5 सेंचुरी शराखतें कैम करने वाली दुनिया की पहली ओपनिंग जोड़ी या किसी भी बैटिंग आर्डर पर या किसी भी विकेट पर बैटिंग करने वाली जोड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तमाम विकेटों का वो ओपनिंग हो या दूसरी विकेट हो उस पर मजबूरी तौर पर रवां साल यानी 2021 में 888 रन जोड़े हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो एक साल में दुनिया की किसी भी जोड़ी की जानब से सबसे ज़्यादा शराखती रन का रिकॉर्ड है। इससे कबल ये रिकॉर्ड आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और कीवन ओब्रायन को हासिल था जिन्होंने 2021 में 756 रन जोड़े थे लेकिन उन्होंने 20 इनिंग्स खेली थी, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अब तक 14 इनिंग्स में 888 रन बना लिए हैं। और गुज़िश्ता मैच में 152 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग के बाद उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जहां T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत को पहली बार शिकस्त से दोचार किया वहां एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मौका था कि वो T20 वर्ल्ड कप या किसी और T20 इंटरनेशनल मैच में 10 विकेटों के मार्जिन से फतह हासिल करने में कामयाब रही। दूसरी जानब यह भारत के लिए भी बदतरीन रुसवाई का दिन था जिन्हें तारीख में पहली बार 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तानी विकेटकीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ा कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया जिन्होंने 79 रन नाकाबले शिकस्त बनाया जो कि T20 वर्ल्ड कप का पहला डेब्यू मैच था। उसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और बाबर आजम इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आगे हैं जिन्होंने नाकाबले शिकस्त 68 रन बनाए। इससे कबल T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान की जानब से सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नासिर जमशेद के पास था जिन्होंने 2012 के T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मेगा इवेंट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 56 रन की उम्दा इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 68 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली जिसकी बदौलत उन्होंने पाकिस्तान की जानब से किसी T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जानब से सबसे ज़्यादा बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया जो कि इससे पहले शोएब मलिक के नाम था। शोएब मलिक ने 57 रन बनाए थे 2007 के अवलिन T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ जिसके बाद से ये रिकॉर्ड उनके पास था। कोई और कप्तान उनसे ये रिकॉर्ड नहीं छीन सका था लेकिन बाबर आजम ने जो उनका पहला T20 वर्ल्ड कप मैच था उसमें पहले ही मैच में उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेले गए मैच में एक और मुनफरद रिकॉर्ड कायम हुआ। ये T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख में पहला मौका था कि दोनों टीमों के कप्तानों ने 50 बनाई। इससे पहले विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की थी, 57 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बैटिंग करने आए तो उन्होंने भी 68 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली। क्यों पाकिस्तानी और भारतीय कप्तान ने मिलकर एक नई तारीख रकम की जो कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहला ऐसा वाकया था जिसमें दोनों कप्तानों ने 50 बनाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के दोनों ओपनर्स का जो मजमूई रन था वो सिर्फ 3 रन था जो कि बदतरीन रिकॉर्ड है, कम तरीन रन है किसी भी एक मैच में T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय ओपनर्स की जानब से। इससे कबल एक भी ऐसा वाकया नहीं था कि दोनों भारतीय ओपनर्स का जो मजमूआ है वो 5 रन से नीचे रहा हो। अलबत्ता जो 5 रन का जो सबका रिकॉर्ड था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो दूसरी बार इस सूरत हाल से दो चार हुए कि 5 से कम रन पर उनके दोनों ओपनर्स को विकेट गंवाना पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 21 विकेट हासिल कर लिए हैं इनिंग्स के पहले ओवर में, और जब से उन्होंने डेब्यू किया है यानी फरवरी 2018 से दुनिया का कोई भी बॉलर इनिंग्स के पहले ओवर में इतनी विकेट हासिल नहीं कर सका जितनी के शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की है। उनके बाद जो दूसरा बॉलर है वो 13 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है जबकि शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में 21 विकेटें हासिल करके दुनिया के सभी बॉलर से आगे निकल गए हैं।